हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कई बार क्या होता है कि हम प्ले स्टोर में अगर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हमारा पेंडिंग शो हो जाता है और हमारा डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। उसके लिए कुछ आपको सेटिंग में जाकर चेंजिंग करना पड़ता है और कोई चीज़ है जिसे आपको क्लियर करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही छोटी होगी तो आपको पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको मोबाइल को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग जैसे कमेंट करते हैं मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर देता हूँ। या फिर आपकी कमेंट मुझे अगर सही लगता है कि नहीं इस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाता हूँ। गाइज, आ चुके हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में। यहाँ पे आपको गाइज सबसे पहले क्या करना है कि आप जैसे कि आते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स में आपको क्लिक करना है। गाइज, ऐप्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नीचे आना है। यहाँ पे आपको देखना है कि किस ऐप में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपका वो कोई सा भी ऐप हो, आप उसको अगर जी उस ऐप को लेकर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली उस ऐप को आपको यहाँ से ढूंढ लेना है एक बार। तो उस ऐप को मैंने यहाँ पर ले लिया, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर में आपको हमें प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि गूगल प्ले स्टोर का जो ऑफिशियल ऐप है वो है गूगल प्ले सर्विस। तो गूगल प्ले सर्विस में हमें क्लिक करना है गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्टोरेज का, स्टोरेज में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपका अगर पहले से डाउनलोड है उनको आपको यहाँ पे क्लियर करना है। उसके बाद मैनेज में आएंगे, मैनेज में आने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि क्लियर ऑल डाटा। गाइस, आपको ध्यान देना कि अगर मैनेज में आके अगर आप अगर क्लियर ऑल डाटा करते हैं तो प्ले स्टोर से मतलब कि आपने जितने भी ऐप अगर डाउनलोड किए तो उनका सबका डाटा क्लियर ऑल हो जाएगा, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो आप जैसे कि आप क्लियर ऑल डाटा कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, क्या आपको आना है बैक। बैक आने के बाद आपको मिलता है ऑप्शन गूगल प्ले स्टोर का, तो इसमें आपको मेन काम करना है। काम क्या करना है कि इसमें भी आपको आना है स्टोरेज में और यहाँ से आपको क्लियर डाटा एक बार कर देना है इस तरीके से। जब आप क्लियर डाटा गाइज कर देते हैं एक बार, जब आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट करेंगे, अपने फ़ोन को जब रिबूट करेंगे या रिस्टार्ट करेंगे, जब दोबारा ओपन हो जाएगा तो आप आएंगे प्ले स्टोर में। गाइज, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखना है कि आपके जितने भी पुराने ऐप है वो ऐप आपका अपडेट तो नहीं मांग रहा, तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो में जो भी ईमेल है यहाँ पे क्लिक करना है और माय ऐप्स एंड गेम में क्लिक करने के बाद गाइस आपके यहाँ पे सारे जितने भी ऐप है सारे आ जाएंगे। अगर जी ऐप में आपका कोई भी नया वर्जन आया है, अपडेट मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे सारा ऐप अपडेट कर देना है। आप हम क्या गलती करते हैं कि अपने ऐप को आप अपडेट नहीं करते हैं, कोई भी नया वर्जन में अगर ऐप आता है उनको आप अपडेट नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। उससे क्या होता है कि उन ऐप को जब भी आप ओपन करते हैं तो वो ऐप आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा, तो आपको हर एक ऐप को अपडेट कर देना है। अपडेट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको यहाँ पे अगर ऐप को आप अगर अपडेट करके रखते हैं तो आपका फ़ोन बिल्कुल सही चलेगा, आपका ऐप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।